फिजिक्स एन प्लस वन चैप्टर वन फिजिकल वर्ल्ड करेंगे। तो अभी हम बात करते हैं हमारा फिफ्थ मेन टॉपिक जो है नेचर ऑफ फिजिकल लॉज। तो इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो हमारा काम आता है, जैसे सन जो है, सन के अराउंड जो है सभी जो प्लैनेट्स हैं रिवॉल्व करते हैं, उसमें लगता है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसके साथ साथ ही सिमिलर एज अ मून जो है रिवॉल्व करता है हमारी अर्थ के अराउंड, तो वो भी उस पर, वो फिनोमिना जो है वो भी ग्रेविटेशन लॉ के बेस पे है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बेस पे। और उसके बाद हम बात करते हैं इस टॉपिक में, हम डिस्कस करेंगे कुछ कंजर्वेशन लॉज है, जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसका मतलब है कि एनर्जी जो है ना तो क्रिएट होती है और ना ही डिस्ट्रॉय होती है, ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है। उसके बाद आता है इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, उसके साथ साथ ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो इस टॉपिक में हम इन लॉज के बारे में ही डिस्कस करेंगे।